हेलो दोस्तों, माइसेल विनोद जोशी और आपका हमारे चैनल ब्लैक सेप्टोल में स्वागत है। यह मेरा पहला एपिसोड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ढेर सारा प्यार दें। तो शुरू करते हैं अंग्रेजी के एक ऐसे कहावत जो आपके ज़िंदगी को बदल के रख दे। तो यह कहावत है, नो मैटर हाउ बिग यू थिंक यू आर, देयर इज़ ऑलवेज समवन बिगर। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हो कि आप सबसे बड़े हैं तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि हमेशा कोई तो होगा जो आपसे भी बड़ा हो। तो दोस्तों, इसे एक सच्ची कहानी के सहारे समझने की कोशिश करेंगे और वो कहानी है लीजेंडरी अमिताभ बच्चन एंड लीजेंडरी JRD टाटा। एक वक्त की बात है, अमिताभ बच्चन सर एंड JRD टाटा सर एक ही प्लेन में सफ़र कर रहे थे। कोइंसिडेंस तो देखो, दोनों साथ ही बैठे थे। अमिताभ सर ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि कोई मिडिल क्लास लिटरेट बंदा है, लेकिन उन्हें अजीब लगा क्योंकि वो सोच रहे थे, मैं हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा सुपरस्टार और मुझे देख के ये ज़रा भी नहीं चौंके। अमिताभ सर को लगा कि इन्होंने ज़रूर मुझे पहचाना नहीं होगा। अमिताभ सर ने उन्हें देख के स्माइल ली और JRD टाटा सर भी मुस्कुराते हुए बोले, हेलो। अमिताभ सर ने उन्हें पूछा, आप फिल्में नहीं देखते क्या? उन्होंने जवाब दिया, बहुत कम, बहुत साल हो गए मैंने फिल्में नहीं देखी। अमिताभ सर ने रिप्लाई दिया कि मैं मूवी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। रतन सर ने पूछा, आप वहाँ क्या काम करते हो? अमिताभ सर ने रिप्लाई दिया कि वह एक एक्टर है। रतन सर बोले, वाओ इट्स नाइस। जब भी प्लेन लैंड हुआ तभी अमिताभ सर ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। और उन्होंने कहा, मेरा नाम जमशेद जी रतन टाटा है। यह सुन के अमिताभ सर चौंक गए। वो उन्हें मिडिल क्लास का कोई बंदा समझ रहे थे, लेकिन वो चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप JRD टाटा निकले। उस दिन अमिताभ सर को समझ आया कि अगर आपको लगता है आप सबसे बड़े हो तो हमेशा कोई तो होगा जो आपसे भी बड़ा रहेगा। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टे हम्बल ऑलवेज। यू माइट थिंक यू आर बेटर देन एवरीवन एल्स, यू माइट थिंक यू डिजर्व बेटर देन एनीवन एल्स, बट ट्रूथ इज देयर इज फादर फॉर एवरी चाइल्ड। तो इसका हिंदी में मतलब यह है कि हमें अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर हो तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि इस दुनिया में सब समान है। तो यह थी मेरे पहले एपिसोड की दिल छू जाने वाली कहानी जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।